हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम के फ्लो को किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। तो हम डेटा को अगर फिल्टर कराना चाहें तो हम सेलेक्टिव स्टेटमेंट का यूज करेंगे, अगर आपको रिपीट करवाना है किसी स्टेटमेंट को तो इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी एक स्टेटमेंट से किसी और स्टेटमेंट पर जाना हो तब हम यूज करेंगे यहां पर जंप स्टेटमेंट। तो देखते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के तीन पार्ट, सेलेक्टिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। सबसे पहले सेलेक्टिव स्टेटमेंट। अब सेलेक्टिव स्टेटमेंट में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, तो इफ एल्स और स्विच। तो इफ एल्स आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, स्विच। तो इफ एल्स और स्विच, जब भी हमें प्रोग्राम से कुछ डेटा को सेलेक्ट करना है या फिल्टर करना है तब आप यूज करेंगे इफ एल्स और स्विच। नेक्स्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट, जब भी आपको कोई टास्क रिपीट करवाना हो तब आप यूज करोगे इटरेटिव स्टेटमेंट का। रिपीट करवाना हो जिसको हम बोलते हैं लूप, ओके। तो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, ये तीन स्टेटमेंट है इटरेटिव स्टेटमेंट के। नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब है किसी एक स्टेटमेंट से किसी और स्टेटमेंट पे आपको जंप करना है तब आप क्या यूज करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक कंटिन्यू ये पार्ट है जंप स्टेटमेंट का, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, इफ एल्स इफ लैडर, ओके। तो ये कई सारे टाइप्स हैं सॉरी इफ एल्स स्टेटमेंट के भी। तो सबसे पहले हम देखें इफ, इफ का फ्लो डायग्राम क्या है। प्रोग्राम को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या चेक होगा, इफ की कंडीशन। कंडीशन शुड बी जीरो और वन, या जीरो के हमने बोला था लास्ट क्लास में कि फॉल्स होता है और वन को ट्रू, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होगा तो वो क्या माना जाएगा, ट्रू। इफ, और इफ के अंदर कंडीशन। अब कंडीशन अगर वन है यानी कि ट्रू है तो क्या रीड करेगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो ये फ्लो है, इसका सिंटेक्स क्या बोलेगा, इफ और कंडीशन, कंडीशन या तो जीरो या तो वन। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो कहां जाएगा, इफ के अंदर, लेकिन कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई तो यहां पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है इफ के पास में, ओके। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट पर ही या ट्रू कंडीशन पर ही स्टेटमेंट को रीड करता है। तो इसका एक प्रोग्राम हम बना के देखें, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंक मेन इफ प्रिंट एफ हेलो, और यहां पर मैं कंडीशन रख देता हूं वन। वन का मतलब क्या है, ट्रू। इसको सेव करते हैं, देन कंपाइल एंड रन कराएं। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा आ रहा है, ट्रू, ट्रू सॉरी कंडीशन ट्रू है और लिखा क्या आ रहा है, हेलो, ओके। तो देखिएगा अब इसको रीड करें, इफ कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट पे, और ट्रू स्टेटमेंट पे जाएगा तो क्या रीड कर लेगा, हेलो। लेकिन अगर कंडीशन में यहां पर हम जीरो रख देते हैं, सेव करें, तो देखिएगा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि रिटर्न वैल्यू क्या है, जीरो। प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, वो कैसे, इफ। अब कंडीशन यहां पर क्या है, फॉल्स है, जीरो यानी कि फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो कहां गया, अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो फॉल्स है तो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा, यानी कि यह। तो प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो रीड ही नहीं हुआ। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इफ के अंदर कंडीशन हम रख देते हैं कुछ ऐसे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक बार कमेंट में लिख के बताइए।
ओके मैं इसको सेव कर देता हूं, देन एग्जीक्यूट कर देता हूं, कंपाइल एंड रन। तो यहां पर देखिए लिखा आ रहा है हाई एंड हेलो। अब सर आपने तो कहा था कि इफ के पार्ट में क्या दिया जाता है, कंडीशन, लेकिन आपने यहां पर कंडीशन नहीं दी, आपने यहां पर क्या दे दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो दिया, अगर अच्छा ये भी है कि प्रिंट स्टेटमेंट अगर दिया भी है तो आउटपुट हमें हाय हेलो क्यों शो कर रहा है, तो इसका रीजन देखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस प्रोग्राम को हटा देता हूं। इंट आई, एक आई नाम का वेरिएबल हम ले लेते हैं और लिख देते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहां लिख दिया हमने हेलो। इस प्रिंट एफ की जो भी वैल्यू आएगी वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी, आई में, और इस आई की वैल्यू को हम प्रिंट करा दें तो प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई। अब देखिएगा मैं इसको थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूं। एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई इक्वल टू प्रिंट एफ हेलो, तो इसको रीड कैसे करेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व होगा, तो प्रिंट क्या हुआ, हेलो। हेलो प्रिंट होने के बाद ये वैल्यू कहां जाके स्टोर हुई, आई, आई क्या है, इंटीजर। तो ध्यान रखिएगा हेलो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट एफ के अंदर कितने हैं, तो 5। ये 5 जाके कहां स्टोर हो जाएगा, आई में। आई में स्टोर होने के बाद हमने क्या बोला कि प्रिंट कराइए एक इंटीजर वैल्यू जो किसकी हो, आई की, तो आई की वैल्यू कितनी है, 5। ओके तो यहां पर आउटपुट आएगा, सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो, हेलो प्रिंट होने के बाद हेलो की वैल्यू कहां जाएगी, आई में, और आई की वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पर आउटपुट आएगा हेलो 5, हेलो 5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे यहां पर एक नई चीज आपने ये सीखी है कि प्रिंट एफ की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इंटीजर। प्रिंट एफ की रिटर्न वैल्यू होगी इंटीजर। अच्छा हम इस प्रोग्राम को लास्ट वाले प्रोग्राम से समझे। अब यहां पर क्या है, प्रिंट एफ हाई, प्रिंट एफ की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इंटीजर, और यहां पर क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 2। तो इसका मतलब यह है, तो उसने हाई तो प्रिंट कर दिया लेकिन यहां पर कंडीशन क्या रख दी, 2। अब 2 ये मैंने आपको बताया था कि कंडीशन में अगर कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0 तो वो क्या माना जाएगा, ट्रू। ओके तो यहां पर नंबर क्या है कंडीशन पे, 2। अब देखिए 2 क्या है, ट्रू वैल्यू है, अंदर गया और क्या प्रिंट कर दिया उसने, हेलो, इसलिए यहां पर क्या प्रिंट होता हुआ हमें दिख रहा है, हेलो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पर तो हमने सीखा कि इफ में ट्रू कंडीशन है तो सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट ही रीड होगा, लेकिन अगर फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो हम उसके लिए हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट यहां पर भी मैंने दो पार्ट में से डिवाइड किया है, एक है फ्लो डायग्राम और एक है सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम कैसे, प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या रीड हुआ, इफ, और इफ की कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हम सी में ट्रू फॉल्स कैसे बोलेंगे, 1 ट्रू एंड 0 फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या रीड करेगा, इफ के अंदर का पार्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स हुई यानी कि 0, तो क्या क्या रीड करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट। अब सिंटैक्स को हम रीड करके देखें, इफ और यहां पर क्या दी, कंडीशन। अब कंडीशन देने के बाद कंडीशन अगर ट्रू है यानी कि 1 है या कोई भी नंबर है 0 को छोड़ के, तो क्या माना जाएगा, ट्रू। तो क्या रीड करेगा, इफ के अंदर का पार्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई है या 0 हो गई है तो क्या रीड करेगा, एल्स स्टेटमेंट। अब ये ध्यान रखिएगा ई कैपिटल है, एक्चुअली पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है, ये ध्यान रखिएगा स्मॉल लेटर में है ई, स्मॉल केस है पूरा। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या रीड करेगा, else part, और else part का false statement। तो ये है हमारा if else। okay, वापस हम उसी प्रोग्राम पे हम जाते हैं। अब यहां पर एक वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर a equal to 10, और यहां पर एक कंडीशन हम दे दें a is less than 5। अब आप सिर्फ if स्टेटमेंट का यूज कर दे तो यहां पर देखिएगा a equal to 10, a is less than 5,
छोटा है क्या 5 के? नहीं नहीं है तो क्या कोई अल्टरनेटिव है हमारे पास? नहीं। तो यहां पर हम क्या दे दें? एल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है या तब भी हमें कुछ वैल्यूज देनी है, तब हम क्या यूज करेंगे यहां पर? एल्स स्टेटमेंट को। ओके, तो प्रिंट एफ हाई, इसको हम कर देते हैं सेव एंड रन करा देते हैं। तो यहां हमें प्रिंट होता हुआ मिला हाई। अब प्रोग्राम को फिर से हम समझे, ए की वैल्यू है 10, क्या 10 छोटा है 5 से? नहीं नहीं है तो कौन सा पार्ट वर्क करेगा? एल्स, और एल्स का जो भी स्टेटमेंट है वो रीड कर देगा। तो क्या प्रिंट हो गया यहां पर? हाई। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसका आउटपुट आप दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन है, इनके आउटपुट दीजिए। जैन हाय, मतलब आउटपुट इनका हाय। ओके, देखें आप लोगों के आउटपुट मैच कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाय, तो एक बार इसे रीड करें हम थ्योरेटिकली। x की वैल्यू है 5, 5 छोटा है क्या 1 से? नहीं है, नहीं है तो अब कहां गया? नेक्स्ट इफ पे। 5 बराबर है क्या 5 के? हाँ है, है तो क्या प्रिंट कर दिया? हाई। तो क्या इस केस में else प्रिंट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां पर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, उसी का स्टेटमेंट रीड करके वो बाहर हो जाएगा। Okay, तो यहां पर दोनों कंसेप्ट मिक्स हो गए, इफ और इफ एल्स। ऊपर वाला जो इफ है वो सिंगल इफ है, लेकिन नीचे वाला जो इफ है वो एल्स के साथ में है। तो एल्स विदाउट इफ वर्क नहीं करता, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एल्स विदाउट इफ इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शिवम शराब बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं हेलो, दिशा हेलो, राहुल हाय। अच्छा पहला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखें। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। इफ 0 बराबर है क्या 0 के? हाँ है, है तो अंदर गया, अंदर गया तो यहां पर आया हाय। ओके, हाय प्रिंट हो गया। लेकिन एल्स में हाउ आर यू, हेलो, ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इफ के बाद का स्कोप। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको पहले समझा देता हूं। अगर हमने यहां पर कुछ ऐसा रखा, हमने इन ब्रैकेट्स को हटा दिया, तो ध्यान रखिएगा जो हेडर स्टेटमेंट है उसका जो पहला कंपाउंड, उसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हेडर स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे ये एल्स है। अब एल्स में हमने कोई स्कोप यानी कि कर्ली ब्रैकेट तो लगाए नहीं है। अब लगाए नहीं है तो यहां पर जो हाई है वो कहां माना जाएगा? एल्स के अंदर। लेकिन हम यहां पर और लिख देते हैं प्रिंट एफ बाय, और यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं 15। अब आप पढ़ के देखिएगा, ए इक्वल टू 10, 10 छोटा है क्या 15 के? हाँ है, है तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो, हमने यहां पर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए। ओके, तो यहां पर हेलो आ गया, लेकिन हेलो आने के बाद प्रोग्राम के बाहर जाएगा। अब ध्यान रखिएगा बाहर ये स्टेटमेंट आपको मिल रहा है बाय, तो यहां आउटपुट आएगा हेलो एंड बाय। तो देखिएगा ध्यान से, हेलो एंड बाय। अगर आपने यहां से क्या हमको नया सीखा हमने, अगर हमने इफ या एल्स में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसी हेडर स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड के बाद वाले स्टेटमेंट उस हेडर स्टेटमेंट के पार्ट नहीं कहलाएंगे। जैसे कि बाय, बाय एल्स के अंदर नहीं लिखा है तो एल्स के अंदर सिर्फ क्या माना जाएगा? हाय। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं वापस उस प्रोग्राम को देखूं, x इक्वल टू 0, x डबल इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर
होता है और डबल इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर का कंपैरिजन होता है। तो x बराबर है क्या जीरो के, यानी कि जीरो बराबर है क्या जीरो के, हाँ है तो क्या प्रिंट करेगा, हाई। हाई प्रिंट करने के बाद वो बाहर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। तो यहां पर आउटपुट क्या आया, हाई एंड हेलो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पे, या इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट पे। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। ओके, प्रोग्राम का फ्लो हम देख लेते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इफ की कंडीशन आई, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या रीड करेगा, इफ के अंदर वाला पार्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, जो क्या होगा हमारा इफ एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ में भी हम क्या देंगे, कंडीशन, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इफ और एल्स के बीच में हम मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, यहां पर देखिएगा एल्स इफ, और यहां मैं जीरो नहीं लिखा है मैंने, तो एल्स इफ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाय डिफॉल्ट क्या वर्क करने लगेगा, एल्स स्टेटमेंट। तो यहां पर ट्रू स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहां फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये कर्सर मैं आपको दिखा रहा हूं, फॉल्स स्टेटमेंट है। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखें, तो इसका सिंटेक्स आप देख लीजिएगा। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट रीड करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ, और एल्स इफ में भी अंदर कंडीशन होगी। अगर कंडीशन सही हुई तो क्या चेक करेगा, कहां जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट पे। और मल्टीपल कंडीशन अगर आपको चेक करानी है तब आप यूज करोगे एल्स इफ स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर। तो इस प्रोग्राम को हम बना के देखें। हमारे पास दो वेरिएबल है, ए 10 एंड बी इक्वल टू 20। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, प्रिंट एफ, डबल कोट्स में यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर। Else, अगर a b से बड़ा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि b a से बड़ा है, तो यहां पर लिख देते हैं b is greater। ठीक है, इतना प्रोग्राम हम चलाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ a is greater, a is greater। अब a is greater क्यों आया, a की वैल्यू कितनी है 10, 10 छोटा है क्या b के, हाँ है, और अंदर क्या लिखवा दिया, a is greater। तो यहां पर हम साइन चेंज कर देते हैं, क्या a बड़ा है b से, अगर है तो a is greater, अगर a बड़ा नहीं है b से, इसका मतलब b बड़ा है, तो else पार्ट पे जाएगा और क्या लिख देगा, b is greater। साइन का मिस्टेक था, तो यहां पर देखिएगा b is greater, b की वैल्यू कितनी है 20। लेकिन अगर यहां पर मैंने लिख दिया 10, दोनों की वैल्यू हमने 10 दे दिया, दोनों के वैल्यू हमने 10 दे दिया, तो 10 बड़ा है क्या 10 से, नहीं है, तो एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाएगा तो बी इज ग्रेटर। जबकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन वो आउटपुट क्या देगा हमें, बी इज ग्रेटर। ओके, बी इज ग्रेटर, ए की वैल्यू भी 10, बी की वैल्यू भी 10, 10 बड़ा है क्या 10 से, नहीं, 10 बड़ा नहीं है 10 से, नहीं है, तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा और क्या लिख देगा, बी इज ग्रेटर। तो हम यहां पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं, If a double equal to b, तो यहां लिखवा देते हैं a and b are equal। और बीच में एक और कंडीशन हम लगा देते हैं, else if a is greater than b। तो आप देखिए फिर से प्रोग्राम को हम रीड करेंगे, a और b की वैल्यू दोनों की 10 है, 10 बराबर है क्या 10 के, हाँ है, तो अंदर जाएगा और क्या बोल देगा, a और b की वैल्यू इक्वल है। ओके, तब ये else if स्टेटमेंट रीड नहीं करेगा।
ए एंड बी आर इक्वल। ओके थोड़ा सा चेंज कर दें, ए को 100 कर देते हैं। तो आप थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करके देखिए, 100 बराबर है क्या 10 के? नहीं, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन पे गया, 100 बड़ा है क्या 10 के? हाँ है, तो अंदर गया और क्या लिख देगा, ए इज ग्रेटर। ओके तो इस तरीके से इफ एल्स इफ लैडर वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टेड इफ एल्स पे। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स के अंदर अगर इफ एल्स है, इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर अगर एक और इफ एल्स है तो यूज करेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। ओके तो यहां पर देख रहे होगे आप सिंटेक्स में, इफ कंडीशन और इफ और एल्स, सॉरी इफ के अंदर एक और इफ एल्स है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स है, हो सकता है कि अंदर वाले इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो, तो ये कंसेप्ट कहलाएगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंसेप्ट। ओके तो एक प्रोग्राम हम बना के देखें, हम यहां पर कुछ 3 नंबर ले लेते हैं, हम कुछ 3 नंबर हैं उनका कंपैरिजन करें। इफ A is greater than B, A बड़ा है क्या B से? If A is greater than B, और यहां पर हम सॉरी if का एक else, अगर मान लीजिए A बड़ा नहीं हुआ B से तो क्या होगा? ओके if, अब यहां देखिएगा comparison, मैं आपके लिए पूरा ही create कर देता हूं। A की वैल्यू है 10, B की सॉरी A की वैल्यू है 100, B की वैल्यू है 10, क्या 100 बड़ा है 10 के? हाँ है तो अंदर जाएगा। अब A और B का कंपैरिजन हुआ, लेकिन अभी C से कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं है, तो A बड़ा है क्या B से? हाँ है तो अंदर गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि A बड़ा है क्या C से। हम अपने एग्जाम्पल को अगर लेके चले, 100 is greater than 10, true, अंदर क्या? अब 100 का comparison किससे करेंगे? 50 से, तो 100 बड़ा है क्या 50 से? हाँ है, तो इसका मतलब अब ये sure हो गया है कि greater कौन है, तो A is greater। लेकिन अगर condition कुछ ऐसी होती, C की value 150 कर दी, 100 बड़ा है क्या 10 से? हाँ है, 100 बड़ा है क्या 150 से? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि C is greater, यानी कि 150 बड़ा है। ओके अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं, 180, B की वैल्यू 180 कर दी, मैं हर एक एग्जांपल से आपको समझाता जा रहा हूं, B की वैल्यू कर दी हमने 180, तो देखिए 100 बड़ा है क्या 180 से? नहीं है तो अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो C से कंपैरिजन होगा नहीं A का। 100 बड़ा है क्या 180 से? नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 180 बड़ा है यानी कि B बड़ा है तो कहां गया, else पार्ट पे, और यहां पे आप B का कंपैरिजन किससे किया, C से। क्या 180 बड़ा है क्या 150 से? अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, B is greater, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दे, C is greater। ओके अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करें, B is greater, देखिएगा सबसे बड़ा कौन है हमारे यहाँ, 180। इस प्रोग्राम में कुछ और चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर हम 100 को 1000 कर देते हैं, A की वैल्यू होगी 1000, यानी कि सबसे बड़ी है अभी बाकी दोनों वैल्यू से, तो यहां पर क्या लिखा आ गया, A is greater। ओके तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसमें क्वेश्चन का आउटपुट दीजिए।
else, else ओके, इस क्वेश्चन का आउटपुट है एल्स। देखिए ये भी नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट है। एक्स की वैल्यू है जीरो, क्या जीरो बराबर है वन के? नहीं, तो क्या इफ के अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो वो कहां गया? इफ के बाहर गया, और क्या मिला उसे? एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कराना है हमें एल्स और लाइन चेंज करनी है, तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ? एल्स। ओके नेक्स्ट हम आए स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट तो ये अलग क्यों है इफ एल्स से? और यहां पर इफ एल्स और स्विच ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, सिलेक्टिव स्टेटमेंट में, यानी कि डेटा को अगर फिल्टर करना है या हमें बहुत सारे डेटा से कुछ डेटा हमें निकालना है तब हम क्या यूज करेंगे? सिलेक्टिव स्टेटमेंट। अब इसमें इफ एल्स जो हमने देखा, नेक्स्ट है स्विच। अब जब हमने इफ एल्स से हम काम कर सकते हैं तो स्विच बनाने की क्या जरूरत है? तो जब हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ लैडर, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करनी है तब हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। स्विच भी सेम वैसा ही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। स्विच में होता है एक्सप्रेशन, जबकि इफ में क्या होता है? कंडीशन। स्विच में होता है एक्सप्रेशन और इफ एल्स में होता है कंडीशन। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है, लेकिन एक्सप्रेशन कोई सा भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकता है या वेरिएबल एक्सप्रेशन हो सकता है। वो कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सप्रेशन केस से मैच होना चाहिए। तो यहां पर होता है मैचिंग और वहां पर यानी कि इफ एल्स में होता है कंडीशन ट्रू या फॉल्स के ऊपर कंसेप्ट। ओके तो इफ एल्स को हम पढ़े, सॉरी सॉरी स्विच को हम पढ़ते हैं। स्विच, स्विच के अंदर क्या होगा? एक्सप्रेशन। अगर मैंने लिखा 10 + 10 तो ये क्या हुआ? एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन। 10 + 10 कितना आया? 20। तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, दो कांस्टेंट वैल्यू से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ओके लेकिन अगर हम लिख देते हैं कि वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू है 10, वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू है 10, तो ए के अंदर है 10, बी के अंदर है 10, और एक्सप्रेशन में हम लिख देते हैं a + b, तो इसका मतलब है यह है वेरिएबल एक्सप्रेशन a + b। यहां पर कोई वैल्यू आपको दिख रही है क्या? नहीं, यहां पर दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं और इस वेरिएबल के बेसिस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो दो टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, एक कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो स्विच, स्विच के अंदर होगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मैथमेटिकल जो भी आप एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हो वो एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करो। ओके नेक्स्ट है कि स्विच के अंदर क्या लिखा जाता है? केस, और केस के अंदर होता है लेबल, और लेबल कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट। केस के बगल में लिखा जाता है लेबल। ओके केस के बगल में लिखा जाता है, ये जो कांस्टेंट वन लिखाई जा रहा है इसको बोलते हैं लेबल। तो केस का ये है लेबल, और लेबल के अंदर आपको जाना है, स्टेटमेंट लिखना है तो आपको कोलोन सिंबल लगाना पड़ेगा। देन इस केस को अगर यहीं रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखें और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछें। तो पहले हम एग्जांपल पे आते हैं। स्विच, स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन लिख दिया 10, तो ये भी कोई नंबर ही है, कोई एक्सप्रेशन ही है। ओके इस स्विच को मैं सेव कर देता हूं। अंदर स्विच के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? तो केस लिखा जाता है, ब्रेक लिखा जाता है और डिफॉल्ट लिखा जाता है। क्या है? थोड़ी देर में हम समझते हैं इसको। स्विच के अंदर बस हमने क्या लिख दिया? एक एक्सप्रेशन यानी कि 10, और 10 लिखने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि कंपाइल और रन करवाएं। तो देखिएगा ये कंपाइल और रन हो चुका है, हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए कुछ प्रिंट भी नहीं हो रहा है। रिटर्न वैल्यू 0 यानी कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है, प्रिंट कुछ हो नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा स्विच के अंदर केस, ब्रेक और डिफॉल्ट ये तीन कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर इनका नहीं भी यूज करो तब भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो यहां पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या स्विच के अंदर केस, ब्रेक, डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है? तो अब आंसर क्या आपको मिल गया? नो, जरूरी नहीं है। ये क्या है? ये तीनों ऑप्शनल, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट, ये तीनों क्या है? ऑप्शनल है स्विच स्टेटमेंट में। ओके तो यहां पर हम लिख देते हैं केस, और केस का लेबल हम लिख देते हैं 10, प्रिंट एफ
हेलो, देन हम लगा देते हैं ब्रेक। केस 20, प्रिंट एफ, हाई, और यहां लिख देते हैं हम ब्रेक। ठीक है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है, प्रिंट एफ, और यहां लिख देते हैं हम बाय। डिफॉल्ट या डिफॉल्ट का जो भी स्टेटमेंट है इसको लिखने के बाद आप ब्रेक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बिकॉज ये लास्ट स्टेटमेंट है स्विच का, इसलिए हम नहीं लगा रहे। तो देखिएगा, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन क्या है, 10। अब एक्सप्रेशन केस के लेबल से मैच होना चाहिए, तो किस केस के लेबल से मैच हो रहा है, ये एक्सप्रेशन 10, ये केस 10 से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मैच हो रहा है तो इसका स्टेटमेंट रीड करेगा, क्या लिख देगा, हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद क्या कर देगा, ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक रीड किया जाएगा, ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर कर देगा। ओके, स्विच के बाहर डाल देगा, जैसे ब्रेक रीड होगा स्विच के बाहर कर देगा। इसका मतलब है केस 20 और डिफॉल्ट केस, ये दोनों रीड नहीं होंगे। तो देखें इसको कंपाइल और रन करा के, सॉरी यहां पर सेमी कॉलन लगा दिया इसलिए एरर आ गया। कंपाइल एंड रन, तो देखिएगा क्या आया, हेलो। ओके, यहां पर हेलो हमारा प्रिंट हुआ। लेकिन सर अभी आपने बोला था कि ब्रेक लगाना कंपलसरी नहीं है, तो ठीक है हम ब्रेक हटा देते हैं। ब्रेक हटा दिया तो अब देखिएगा क्या होगा, एक्सप्रेशन है 10, केस 10, मैच हो गया। मैच होने के बाद क्या प्रिंट किया, हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद क्या ब्रेक मिला, नहीं मिला। ब्रेक मिलता तो वो स्विच के बाहर कर देता, लेकिन ब्रेक नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ प्रिंट तो कर दिया हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद वो अगले केस में भी वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद क्या लिख देगा, हाय। तो अब यहाँ पर आउटपुट आएगा हेलो हाय। अब हाय प्रिंट करने के बाद क्या मिला, ब्रेक। तो अब जाके ब्रेक मिला तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर कर देगा, सॉरी स्विच से बाहर कर देगा। ओके, तो यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा हेलो एंड हाय। ओके, देखिएगा हेलो हाय, क्लियर। अगर हम यहां से भी ब्रेक हटा दें, एक्सप्रेशन क्या है, 10, 10 केस 10 से मैच हुआ, मैच हुआ तो क्या लिख देगा वो, हेलो। हेलो लिखने के बाद ब्रेक नहीं मिला तो नेक्स्ट केस में एंटर हो जाएगा और क्या लिख देगा, हाय। हाय के बाद भी यहां पर ब्रेक नहीं मिला तो कहां जाएगा, डिफॉल्ट केस में, और डिफॉल्ट केस का बाय लिख देगा। तो यहां पर हमें आउटपुट मिल जाएगा हेलो हाय बाय, यानी कि ब्रेक कहीं नहीं मिला तो हेलो हाय बाय तीनों केसेस में वो एंटर कर जाएगा। अब कंसेप्ट ये आता है कि यहां पर हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, यानी कि एडिशन करवाया, 10 प्लस 10, ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ओके, कैसे कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीजर कॉन्स्टेंट। तो 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20। तो एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 20। अब 20 किस केस से मैच कर रहा है, क्या 10 से मैच कर रहा है, नहीं, क्या 20 से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, 20 से मैच कर गया। और क्या प्रिंट कर दिया उसने, हाई। लेकिन हाई प्रिंट करने के बाद ब्रेक मिला क्या, नहीं। अब क्या लिख देगा वो, बाय। तो अब आउटपुट क्या आएगा हमारे प्रोग्राम का, हाई एंड बाय। ओके, हाई एंड बाय, क्लियर है। अब कंसेप्ट एक और हम यहां पर लेकर जाते हैं, अगर 10 प्लस 20 कर देते, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन कितना हुआ, 30। अब 30 किस केस लेबल से मैच कर रहा है, क्या 10 से मैच कर रहा है, नहीं, क्या 20 से मैच कर रहा है, नहीं। जब किसी भी केस लेबल से एक्सप्रेशन मैच नहीं करता तब डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहां पर कितना है, 30, क्या 30 किसी केस लेबल से मैच कर रहा है, नहीं। जब किसी भी केस लेबल से मैच नहीं करे तभी क्या वर्क करता है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय। तो क्या प्रिंट कर देगा, बाय। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा आ रहा है, बाय, क्लियर है। अब कुछ प्रोग्राम्स इसमें हम देखें, मैं यहां पर ब्रेक लिख देता हूं, वापस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आपको कुछ नई नई चीजें बता। अभी हमने देखा कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन का, अब हम देख लेते हैं वेरिएबल एक्सप्रेशन, इंट ए इक्वल टू 10, और यहां पर हमने लिख दिया ए। तब देखिए एक्सप्रेशन कैसा है, वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अगर आपने सिंगल वेरिएबल भी लिखा है तो वो भी क्या बोले माना जाएगा, वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो ए के अंदर वैल्यू क्या है, 10। अच्छा, ये आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन और वेरिएबल एक्सप्रेशन क्यों, अगर हमने 10 प्लस 10 लिया है
तो भी ठीक है, अगर हमने 10 लिया है तो भी ठीक है, लेकिन ए के अंदर 10 रख के फिर हम स्विच में क्यों दे रहे हैं? तो दोनों का आंसर अलग अलग है। कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है कंपाइल टाइम पे, और वेरिएबल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है रन टाइम पे। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन और वेरिएबल एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट कब आ जाता है? कंपाइल टाइम पे। और वेरिएबल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कब आता है? रन टाइम पे। ध्यान रखना, वेरिएबल को वैल्यू कब असाइन होती है? रन टाइम पे, तो रिजल्ट भी कब आएगा? रन टाइम पे। ओके, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ए इक्वल टू 10। अब यहां पर एक्सप्रेशन क्या है? 10। 10 किस केस से मैच कर रहा है? केस 10 से मैच कर गया, और क्या लिख दिया? हेलो। हेलो लिखने के बाद क्या लगा दिया? ब्रेक। इंट बी इक्वल टू 10, इंट सी इक्वल टू, या हम सी नहीं लेते, कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। अब एक प्रोग्राम देखें, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू भी है 10, एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। केस में मैं यहां पर कांस्टेंट वैल्यू ना देके वेरिएबल दे देता हूं बी, और बी की वैल्यू भी क्या है? 10। अब यहां पर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो क्या होगा? तो ए की वैल्यू 10, 10 किस केस से मैच कर रहा है? बी से, क्योंकि बी की वैल्यू 10 है, और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। तो ये गलत है। गलत क्यों है? हम कंपाइल और रन करा के देख लेते हैं। देख लीजिए, लाइन नंबर 8 पे एक एरर आ रहा है। केस बी पे बी कैन नॉट अपियर इन अ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। सॉरी, बी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप एक रूल और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि केस का जो लेबल होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। केस का लेबल कॉन्स्टेंट होना चाहिए, केस लेबल शुड बी कॉन्स्टेंट। यहां पर केस लेबल क्या है? बी। बी क्या है? वेरिएबल है ना ये। तो कभी भी केस लेबल में वेरिएबल हम नहीं लिख सकते। ओके, केस लेबल शुड बी कॉन्स्टेंट। तो यहां पर अगर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, सिंगल कोट में भी, सिंगल कोट में अगर हम बी लिख रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? कंपाइल एंड रन। यहां पर क्या लिखा गया? बाय। अब ये बाय क्यों आया? देखिएगा, ए क्या है? 10। अब यहां पर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, सॉरी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है बी। बी कैसा है? कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और बी का आस्की कितना होता है? बी का, स्मॉल बी का आस्की कितना होता है? 98। तो यहां पर केस 98, केस 20, क्या केस 10 कहीं मिला? नहीं मिला। तो डिफॉल्ट केस वर्क करेगा और क्या लिख देगा? बाय। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये केस कैसा है? बी, बी यानी कि कैरेक्टर बी। अब कैरेक्टर बी का आस्की कितना होता है स्मॉल बी का? 98। 98 हमने क्यों लिया? हमने बी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है? इंटीजर टाइप का है। तो केस का लेबल, केस का जो लेबल होता है वो एक्सप्रेशन टाइप का होना चाहिए। नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। तो हमने वैसे भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कैरेक्टर कांस्टेंट है या कैरेक्टर वैल्यू है उनकी रेंज होती है -128 to 127, यानी कि किसी नंबर में ही होती है, इंटीजर में ही होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं इसके बारे में। तीन क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए।
ऋषभ रॉय, फर्स्ट का टू, आश्रय जैन फर्स्ट एरर, टू यस नो, थ्री एरर, ट्राई करते जाइए भले गलत भी हो, ट्राई तो करिए। दिशा सेकंड यस नो, राहुल फर्स्ट एरर, शुभम टू यस नो। ओके, देख लेते हैं किसके आंसर सही है किसके गलत है, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम आंसर देखेंगे। इंट सी एच इक्वल टू टू, स्विच में वैल्यू कितनी है टू, क्या टू केस है, नहीं है, क्या टू है, नहीं, तो केस वन, प्रिंट एफ वन। तो अब एक बात और यहां पर कुछ नई चीज हम सीखे, केस वन देन प्रिंट एफ, प्रिंट किया वन को देन ब्रेक लगाया देन प्रिंट किया हाई। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए सी एच की वैल्यू भी अगर वन होती, केस वन पे जाता, वन प्रिंट कर देता और उसके बाद स्विच के बाहर चला जाता, क्यों, क्योंकि ब्रेक मिल गया, ब्रेक के बाद आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे रीड नहीं किया जाता क्योंकि ब्रेक उसे मिल गया, जैसे ही ब्रेक रीड होगा स्विच के बाहर कर देगा, अब स्विच के बाहर हो गया तो वापस तो अंदर आ नहीं पाएगा। सॉरी, तो यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें, सी एच इक्वल टू टू, सी एच की वैल्यू है टू, केस वन मैच नहीं किया टू से, टू से मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट पे गया, डिफॉल्ट पे जाने के बाद क्या लिख दिया टू, तो फर्स्ट आंसर है हमारा टू। सेकंड देखें, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, इंट एक्स इक्वल टू वन, स्विच में एक्सप्रेशन कितना है x और x की वैल्यू कितनी है 1। अब यहां लिखा हुआ है केस ए केस बी, आउटपुट क्या आएगा, यस नो या एरर। अब देखिएगा a और b ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल को हम केस लेबल में नहीं लिख सकते, वेरिएबल को केस लेबल में नहीं लिख सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा इन वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब यह है कि इस वेरिएबल को क्या बना दिया है, कॉन्स्टेंट। अब ए कंपाइलर ए नहीं पड़ेगा, कंपाइलर क्या पड़ेगा वन, कंपाइलर बी नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा टू, ओके, क्योंकि ये इन दोनों वेरिएबल्स को क्या कर दिया, कॉन्स्ट कर दिया, यानी कि कॉन्स्टेंट कर दिया। तो ए की वैल्यू अब यहां पर कितनी है वन, केस वन कंपाइलर कैसे पड़ेगा, केस वन केस टू, बिकॉज ए एंड बी दोनों वेरिएबल को क्या कर दिया है, कॉन्स्ट, तो केस वन केस टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी है वन, वन एक्सप्रेशन आया वन, केस वन क्या लिख देगा, यस, ओके, अब ब्रेक तो लगा नहीं है तो नीचे वाले केस में भी चला जाएगा और क्या लिख देगा नो, और नो के बाद क्या मिला ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या करेगा वो, स्विच के बाहर कर देगा, तो यहां पर हमें आउटपुट कितना मिला, यस नो, ओके, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड में हम देखें इंट एक्स इक्वल टू वन, इंट बी इक्वल टू टू, तो यहां पर एक नया कंसेप्ट हमने देखा था कॉन्स्ट का, किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट या कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू दिलवानी है तो वेरिएबल के आगे क्या लगा दो, कांस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कंपाइलर उसे रीड करेगा, नहीं करोगे तो रन टाइम पे जाके रीड होगा, ओके, तो यहां पर देखिएगा ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, इनके आगे कांस्टेंट नहीं लिखा है, मतलब ये वेरिएबल्स ही, स्विच के अंदर लिखा हुआ ए और बी, ये दोनों क्या है, वेरिएबल, अभी अभी हमने पढ़ा था कि केस का लेबल जो है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर तो क्या आ गया, एरर, ओके, तो ये तीन क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट, और इटरेटिव स्टेटमेंट का पहला पार्ट है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, आंसर दीजिए फटाफट, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, एक बार आप लोग आंसर दीजिए, सही या गलत वो मत सोचिए।
मैं ही बताता हूँ। व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है? ऋषभ रॉय का एक आंसर आया कि फॉर लूप हैज एंडिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप हैज एंडिंग स्टेटमेंट। आशा जैन सर, व्हेन वी डोंट नो द एंड वैल्यू देन वी यूज व्हाइल लूप, वेरी गुड। ओके, व्हाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है? अगर हमें पहले से नहीं पता कि लूप को कितना चलाना है तब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। ओके, अगर हमें नहीं पता कि लूप को कितना चलाना है तब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है कि लूप को कितना चलाना है तब हम यूज करेंगे फॉर लूप। इफ वी डोंट नो आइट्रेशन इन एडवांस, ओके, अगर हमें पहले से नहीं पता कि लूप को कितना चलाना है तो क्या यूज करेंगे हम? व्हाइल लूप। लेकिन हमें पहले से ही पता है कि लूप कितना चलेगा तब हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। ओके, ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप का एक फ्लो डायग्राम देखें, प्रोग्राम को स्टार्ट किया व्हाइल, और व्हाइल में भी क्या मिली? कंडीशन, कंडीशन शुड बी ट्रू और फॉल्स, कंडीशन शुड बी ट्रू और फॉल्स। यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां कंडीशन जीरो यानी कि फॉल्स कर देते हैं इसको। फ्लो डायग्राम, प्रोग्राम स्टार्ट किया व्हाइल, व्हाइल में लिखी हुई है कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो कहां जाएगा? लूप के अंदर यानी कि लूप बॉडी में। अगर कंडीशन, अच्छा ओके, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप बॉडी में जाएगा, लूप बॉडी को रीड करने के बाद वापस कहां जाएगा? व्हाइल लूप में। फिर कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन सही है या गलत ये पहचानेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएगा? वापस लूप बॉडी में, लूप बॉडी में जाने के बाद वापस व्हाइल लूप। और ये काम कब तक चलता जाएगा, ये साइकिल कब तक चलती जाएगी? जब तक कंडीशन ट्रू है, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कहां चला जाएगा? आउटसाइड द लूप बॉडी, लूप के बाहर। ओके, सिंटेक्स कैसा होगा? व्हाइल, और व्हाइल के पैरेंथेसिस में क्या देना पड़ेगा हमें? कंडीशन, और कंडीशन देने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लूप की बॉडी या लूप की जो भी वैल्यू है वो देंगे। तो एक प्रोग्राम के साथ हम इसको स्टार्ट करें। आपको बताना है कि आई की वैल्यू क्या आएगी। तो एक बार इस प्रोग्राम को आप सॉल्व करके देखिए, देन हम व्हाइल लूप को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आश्रय जैन ने आंसर दिया 3। आंसर भी है 3। ओके, अब देखिए ये सॉल्व कैसे हुआ। व्हाइल प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, वैल्यू और क्या थी? आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 I प्लस प्लस, और ध्यान रखिएगा यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा इसका मतलब यह है
वाइल एक हेडर स्टेटमेंट है जिसका पहला स्टेटमेंट वाइल के अंदर ही माना जाएगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट वाइल के बाहर होगा। अगर आप ब्रैकेट लगा भी देते हो तो ये कुछ इस तरीके से माना जाएगा। ये कुछ इस तरीके से माना जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें। I की वैल्यू कितनी है? जीरो। क्या जीरो थ्री से छोटा है? है तो अंदर गया, अंदर गया। तो यहां पर I की वैल्यू क्या है? जीरो। लेकिन जैसे ही वापस कंडीशन चेक करने जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। क्या वन छोटा है थ्री से? है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। क्या टू छोटा है थ्री से? है। तो अंदर जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री। क्या थ्री छोटा है थ्री से? नहीं। नहीं यानी कि कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आया और क्या मिला उसे? I की वैल्यू प्रिंट कराइए और I की वैल्यू क्या प्रिंट होती हुई मिलेगी? थ्री। ओके, तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कराएं। तो यहां आया हमारा थ्री। अब ये तो था हमारा एक क्वेश्चन, लेकिन हम शुरुआत से देखें व्हाइल लूप को। व्हाइल प्रिंट एफ हेलो, और यहां पर हम कंडीशन में लिख देते हैं वन, तो आउटपुट क्या आएगा? इसको सेव करें। कंडीशन, कंडीशन क्या है? वन। वन मतलब ट्रू। ट्रू है तो अंदर क्या और क्या लिख दिया? हेलो। हेलो लिखने के बाद वापस कंडीशन चेक करने गया, कंडीशन फिर क्या मिली? ट्रू। फिर अंदर आया और क्या लिख दिया? हेलो। हेलो लिखने के बाद फिर कंडीशन चेक करी, तो ये कंडीशन तो कभी फॉल्स होती हुई हमें दिखाई ही नहीं देगी। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स हेलो। ये देखिएगा, इनफाइनाइट टाइम्स हेलो। मैं क्लिक करके रोक देता हूँ, इनफाइनाइट टाइम्स हेलो चलता रहेगा। अगर यहां पर कंडीशन हमने जीरो रखी, जीरो यानी कि कंडीशन ही अगर फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कंडीशन फॉल्स है, अंदर नहीं जाएगा लूप बॉडी में, बाहर चला जाएगा, बाहर तो कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम ही फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है 1 to 10, 1 to 10 प्रिंट कराना है तो इंट आई इक्वल टू वन, इंट आई इक्वल टू वन। आई की वैल्यू कितनी है? वन। क्या आई छोटा है या बराबर है क्या 10 से? हाँ है। है तो अंदर गया, अंदर गया तो क्या प्रिंट कर देगा? एक इंटीजर वैल्यू, देन एक लाइन चेंज कर देगा इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के बाद, और ये इंटीजर वैल्यू किसकी होगी? आई की। और आई की इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो होगा क्या? आई की वैल्यू है 1। क्या 1 छोटा या बराबर है 10 के? है तो अंदर जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा? आई की वैल्यू जो कितनी है? 1। 1 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, कितना हो जाएगा? 2। वापस कंडीशन चेक करने जाएगा, 2 छोटा या बराबर है क्या 10 के? है तो अंदर जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा? आई की वैल्यू जो कितनी है? 2। करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो ऐसा कब तक चलता जाएगा? जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर ना हो जाए 10 से। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आउटपुट मिला। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम करें। एक नंबर है हमारे पास 234, नंबर है 234। हमें ये फाइंड करना है कि इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ओके, काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर। तो यहां पर हमारे पास एक नंबर है 234, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3। तो हमें ये काउंट करके बताना है कि इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। इंट काउंट, काउंट नाम का वेरिएबल और लेना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि काउंट कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम व्हाइल लूप का यूज करें। आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू जीरो ना हो जाए। ओके,
तब तक ये लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही जीरो हो गई तो वो क्या हो जाएगा, लूप के बाहर। आई इक्वल टू आई डिवाइड बाय 10, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाय 10, और काउंट की वैल्यू हम यहां पर क्या कर दें, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट एफ, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है किसकी, काउंट की। तो हमें हमारा प्रोग्राम था कि किसी नंबर के डिजिट हमें काउंट करने, 234 यहां पर 3 डिजिट्स हैं। अब उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, मैं आपको एक प्रोग्राम समझा भी दूंगा ये वाला। यहां पर देखिएगा आउटपुट कितना आया, 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3। यहां पर थोड़ा और चेंज कर देते हैं, अगर 2344 यानी कि 2344 ये हमारा नंबर है, इसमें टोटल डिजिट कितनी है, 4। देखिए 4 आता है कि नहीं आता हमारा आउटपुट, देखिएगा यहां पर क्या आ रहा है, 4। क्लियर? अब देखिएगा कितने भी नंबर हैं अगर आपके पास, कितने भी नंबर हैं आपके पास, ये वाइल लूप उन्हीं नंबर के डिजिट शो कर रहा है। अब हमें पता नहीं कि यूजर कितने नंबर डाल दे या कितने डिजिट का नंबर दे, तो यहां पर देखिएगा 5 आ रहा है। तो इस केस में वाइल लूप बेस्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूजर कितने डिजिट का नंबर देगा। इफ यू डोंट नो आइटरेशन इन एडवांस, अगर आपको पहले से नहीं पता कि लूप को कितना चलाना है, तब बेस्ट लूप कौन सा है, वाइल लूप। अब इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। यहां पर आई की वैल्यू, मैं नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूं, 234 ही रहने देते हैं। आई की वैल्यू, देन काउंट की वैल्यू, ओके, और एक फाइनल आउटपुट। अब एक एक लाइन पढ़ते जाइए, ध्यान रखिएगा ये बेस्ट तरीका है कि आप टेबल के फॉर्मेट में आप लूप को समझ सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, 234, तो यहां पर आई की वैल्यू 234। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गए तो काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, क्या 234 जीरो के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है तो अंदर गया, अंदर गया तो 234 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ, 23 23, और ये 23 वापस जाके कहां स्टोर हो गया, आई में, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 23 23 होने के बाद नीचे लिखा हुआ है काउंट प्लस काउंट प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से हो जाएगी, 1 से। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू थी 0, अब कितनी हो गई है, 1। फिर से लूप चला तो पूछा आई की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है क्या, हाँ नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 23 23 जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है तो अंदर गया, अंदर गया तो क्या किया, 23 का डिवाइड किया 10 से, कितना बचा, 2, और 2 जाके कहां स्टोर हो गया, आई में, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो गई, 2। 2 होने के बाद यहां पर देखेगा काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से हो गई, 1 से, यानी कि पहले काउंट की वैल्यू 2 थी, अब कितनी हो गई, 3। अब फिर से लूप चला, क्या 2 जीरो के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है तो कहां गया, अंदर, अंदर गया तो यहां पर देखेगा 2 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10 इसका मतलब क्या है, हमारा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 कहां जाके स्टोर हो गया, आई में, तो आई की वैल्यू ही 0, देन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई, 3। अब फिर से लूप चला, क्या 0 0 के बराबर नहीं है, ये तो बराबर है क्योंकि आई की वैल्यू हमारी कितनी आई लेटेस्ट, 0, तो 0 0 के बराबर नहीं है, हाँ है तो कहां गया, मतलब यहां पर कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो बाहर गया, बाहर गया तो क्या बोला कि काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, तो काउंट की लेटेस्ट वैल्यू कितनी थी, 3, तो क्या प्रिंट कर दिया, इसलिए हमारा आउटपुट कितना आया, 3। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो टेबल बना के भी। नेक्स्ट हम समझते हैं डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, हमने व्हाइल लूप और फॉर लूप तो समझ गए, लेकिन व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। व्हाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और डू व्हाइल लूप को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और डू व्हाइल लूप को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या रीड किया, डू,
डू के बाद क्या पढ़ा, लूप की बॉडी यानी कि जो भी स्टेटमेंट है वो रीड किया। स्टेटमेंट रीड करने के बाद कंडीशन चेक करी, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस क्या पढ़ेगा, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वापस क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट पढ़ेगा। तो ये साइकिल कब तक चलती जाएगी, जब तक कंडीशन जीरो ना हो जाए। लेकिन अगर जैसे ही कंडीशन जीरो हुई तो वो कहां चला जाएगा, आउटसाइड द लूप। तो इसका मैं आपको सिर्फ एक प्रोग्राम बता देता हूं, इसका इंप्लीमेंटेशन मैं नहीं करवा रहा हूं। इंट मेन डू प्रिंट एफ लूप वन वाइल जीरो प्रिंट एफ लूप टू। तो ये प्रोग्राम डू और डू के अंदर गया तो क्या है, स्टेटमेंट क्या लिख दिया, लूप वन। देन कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो बाहर गया, बाहर क्या मिला उसे, लूप टू। तो यहां पर आउटपुट हमारा कितना मिलेगा, लूप वन लूप टू। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप अगर हमें पहले से पता है कि लूप को कितना चलाना है तो क्या यूज करेंगे आप लोग, फॉर लूप। फॉर लूप में सारी चीजें एक ही जगह होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिलेगी। लेकिन फॉर लूप को किस तरीके से यूज करना है हमें, फॉर लूप कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता है वो भी हमें देखना है। तो एक डायग्राम के फॉर्म में हम देखें, ये हमारा फॉर लूप है। फॉर, फॉर के आगे क्या होगा, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर होगा इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकॉलन से क्लोज करना पड़ेगा, कंडीशन, देन सेमीकॉलन से क्लोज करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसको भी सेमीकॉलन से क्लोज करना पड़ेगा। देन फॉर लूप के बाद क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट यानी कि फॉर लूप का स्कोप, और स्कोप के अंदर क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट आपको लिखवाना है। तो यहां पर स्टेटमेंट जो भी आपको लिखवाना है वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये लूप वर्क कैसे करेगा, कब कौन सी चीजें यहां पर आनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा फॉर लूप कैसे आपको रीड करना है। सबसे पहले कौन सा वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप होती है इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होती है कंडीशन चेक करना। ओके, सेकंड स्टेप होगी कंडीशन चेक करना, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। कंडीशन चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा स्टेटमेंट रीड करना, इसका मतलब है थर्ड स्टेप क्या हुई, स्टेटमेंट रीड करना। स्टेटमेंट रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नेक्स्ट हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट क्या हुआ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो या कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। तो पहला है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद वापस क्या चेक होता है, कंडीशन। कंडीशन अगर फिर से ट्रू मिल गई तो कहां जाएगा, अंदर क्या पड़ेगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वापस क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से क्या चेक करेगा, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू निकल गई तो कहां जाएगा, अंदर। अंदर जाएगा तो क्या रीड करेगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रीड करने के बाद वापस क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये साइकिल कब तक चलती जाएगी, जब तक कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कहां आ जाएगा, लूप के बाहर। ये लिख देता हूं मैं, आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर, तो लूप के स्कोप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है फॉर लूप, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और अगर फिर से उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यही साइकिल चलती जाएगी।
अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट कितनी बार वर्क करता है। एक क्वेश्चन है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट कितनी बार वर्क करता है, तो आंसर है सिर्फ एक ही बार वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट कब वर्क करता है, तो ये आंसर है कि लूप के स्टार्टिंग में ही। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर लूप वर्क करता है। तो आते हैं इसका प्रोग्राम हम बनाएं। int i for initial value of i कितना रख दिया, 0, तो ये हो गया initialization। i is less than equal to 10, ये क्या हो गया condition। i plus plus, ये क्या हो गया increment। अब loop के statement पे हम आए, print f percent d comma i, तो यहां देखिएगा i की वैल्यू कितनी है, 0। क्या 0 10 से छोटा है, हाँ है तो अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू जो कितनी है 0। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा तो यहां पर क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या 1 छोटा है 10 के, हाँ है तो अंदर जाएगा और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कितनी है 1। तो यहां से 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज क्या होती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी। तो देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। आपको पहले से पता है कि लूप को कितना चलाना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 आपने यहां पर एक कंडीशन भी दे दी है। ओके, हम चाहते ये हैं कि हमें प्रिंट कराना है 1 to 10 नंबर्स, लेकिन नंबर 4 और नंबर 8 पे हमें हेलो प्रिंट करवाना है। मैं स्लैश एन कर देता हूं ताकि एक लाइन बाय लाइन हमें दिखती जाए। तो 0 से लेकर 4 तक, सॉरी 0 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हुए। हम चाहते हैं नंबर 4 पे और नंबर 8 पे हेलो प्रिंट हो, तो हम ये कैसे करेंगे। तो आपने नंबर तो चूज कर लिए 0 से लेकर 10 तक, अब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो फिल्टर के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेलेक्टिव स्टेटमेंट इफ एल्स। तो हमें प्रिंट कराना है 0 से 10 तक नंबर, लेकिन नंबर 4 और नंबर 8 पे हमें हेलो प्रिंट कराना है। तो इफ हम एक कंडीशन रख देते हैं, इफ आई की वैल्यू अगर बराबर है 4 के और आई की वैल्यू अगर बराबर है 8 के, तो प्रिंट हो जाए हेलो और लाइन चेंज हो जाए, क्लियर, हेलो देन लाइन चेंज हो जाए। अब इसको यहां लिख देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी आई। तो एक बार हम रीड करके देख लें क्या ये प्रोग्राम सही है। आई की वैल्यू प्रिंट तो हो जाएगी 0 1 2 3 तक। 4 छोटा है क्या 10 के, है। क्या 4 बराबर है 4 के, हाँ है। यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, हेलो तो प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आएगा यहां पर क्या कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो पार्ट है इसे हम कहां लिखते, एल्स में। ओके, अब ये प्रोग्राम सही है। जब आप देखोगे नंबर 4 और नंबर 8 पे क्या रिप्लेस हो गया, हेलो से, क्लियर, 0 1 2 3, 4 पे हेलो, 5 6 7 देन हेलो, 9 10। ओके, हम चाहते हैं कि हमारा लूप ब्रेक हो जाए, रुक जाए। हम बोलते हैं कि नंबर 5 पे हमारा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, ब्रेक। अब ब्रेक का काम क्या है, जो भी आइट्रेशन परफॉर्म हो रहे हैं अगर उनको आपको रोकना है किसी सर्टेन कंडीशन पे, तब आप क्या यूज करोगे, ब्रेक। ओके, तब क्या यूज करोगे आप, ब्रेक। आई की वैल्यू जब 5 होगी, 5 छोटा है 10 के, है, 0 से लेकर 4 तक तो प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, तो 5 बराबर है क्या 5 के, हाँ है तो क्या मिला उसे अंदर, ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक मिला तो वो लूप के क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, सिर्फ 0 1 2 3 4, बिकॉज जैसे ही 5 मिला ब्रेक हो गया, अब आगे के नंबर रीड ही नहीं करेंगे।
देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारा आउटपुट है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दें तो यहां से क्या होगा, ध्यान रखिएगा जब भी कंटिन्यू अगर हमें मिल जाता है तो वो बाकी के स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, वो क्या कर देगा वापस जैसे ही कंटिन्यू आया वो वापस कहां लेके चला जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद तो आपको पता ही है कंडीशन चेक होगी, वापस स्टेटमेंट पे आएगा। ठीक है, तो यहां देखें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिला, 6, 7, 8, 9, 10 5 नहीं मिला, क्यों नहीं 5 मिला वो भी देखें। 0 ये कंडीशन कब तक फुलफिल नहीं होगी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यानी कि ये सारी एल्स पे जाएगी और 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, 5 छोटा है क्या 10 के, है तो अंदर गया, क्या 5 बराबर है 5 के, है तो क्या हुआ कंटिन्यू हुआ, अब कंटिन्यू हुआ तो वापस कहां लेके चला जाएगा वो इंक्रीमेंट पार्ट पे, और यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, देन चेक होगा 6 छोटा या बराबर है क्या 10 के, हाँ है तो अंदर क्या, क्या 6 बराबर है 5 के, नहीं, यानी कि एल्स पार्ट पे जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा 6। ओके, तो 5 यहां से क्या हो चुका है स्किप हो चुका है। तो जब भी आपको लूप को कंटिन्यूली कंटिन्यूअस चलाना है तब आप क्या यूज करोगे कंटिन्यू, लेकिन कहीं किसी सर्टेन कंडीशन पे आपको रोकना है तब आप क्या यूज करोगे ब्रेक। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसका एक लास्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूं, पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है बस आपको बताना है, ये है फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू J प्लस प्लस। मैं को सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, कहीं कहीं ब्रेक लगाया है, कहीं भी ब्रेक लगाया है किसी कंडीशन पे, या मैं आपको कुछ ऐसा बता देता हूं कि ये आई लूप है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये बताना है कि दो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप, तो ये नेस्टेड फॉर लूप है, अंदर वाले फॉर लूप में अगर ब्रेक मिल गया तो वो सिर्फ जे लूप से ब्रेक होगा या आई लूप से ब्रेक होगा, बताइए फटाफट। ये प्रोग्राम नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं, लेकिन ये क्योंकि ये तरीका ही नहीं है प्रोग्राम लिखने का, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जे में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अगर ऐसा होता है तो जे लूप से ब्रेक होगा या आई लूप से भी ब्रेक हो जाएगा, आश्रय ने बोला जे, ऋषभ ने बोला जे, अक्षता जे, राहुल ओनली फ्रॉम जे, सभी ने सही आंसर दिया, जिस लूप में ब्रेक लगा है सिर्फ उसी लूप से ब्रेक होता है। ओके, सेम कंटिन्यू में भी ऐसा ही है कि जिस लूप में कंटिन्यू लिखा हुआ है उसी लूप से कंटिन्यू होगा, यानी कि ये ब्रेक हुआ तो वो कहां जाएगा, कर्सर में बता देता हूं कर्सर की पोजीशन, के ब्रेक अगर हो भी गया तो वो कहां जाएगा, इस जे लूप के बाहर, लेकिन अभी भी आई लूप के अंदर है, लेकिन अगर इसको हम यहां रख देते हैं तो जे लूप तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जैसा चलता है, लेकिन आई लूप में क्या मिला ब्रेक, और किसी भी कंडीशन पर अगर ब्रेक मिल गया तो वो क्या कर देगा आई के बाहर, यानी कि कर्सर में यहां पर आपको दिखा रहा हूं यहां पर जाके बाहर चला जाएगा। ओके, ये थी क्लास आज की जिसमें हमने पढ़ा आज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। हमारे पास टाइम कम है, हम और भी एग्जाम्पल कर सकते थे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।